जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। दोस्तों, सीआरपीएफ में नई भर्ती आ चुकी है 2022-23 के लिए और इसमें टोटल पदों की संख्या 1458 है और दो प्रकार के पद हैं। एक है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए और दूसरा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि स्टोनो के लिए है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है और एज लिमिट, सैलरी और जितना भी नोटिफिकेशन अब तक आया है इसके बारे में हम लोग चलिए चर्चा करते हैं फुल डिटेल से। और दोस्त, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए और घंटे के निशान को भी दबा दीजिए और बटन को दबाते हुए चलिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक लाते रहें। चलिए देखते हैं। जैसे ही आप सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। हम अभी अभी ऑफिशियल साइट से यह नोटिफिकेशन डाउनलोड किए हैं। इस पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर मिल जाएगा इतना, और इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन एक पेज में डाउनलोड हो जाएगा और लास्ट डेट रखी गई है 25 तारीख पहला महीना वर्ष 2023। चलिए देखते हैं। और आपको पता होगा सीआरपीएफ जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि वर्तमान मंत्री इसके कौन है, मोटा भाई यानी कि अमित शाह। देखिए, जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे सीआरपीएफ आपको दिख जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। और यहाँ पर चलिए देखिए, वैकेंसी यहाँ पर आपको दो प्रकार की देखने को मिलेंगी, फार मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि स्टोने के लिए जनरल में है 58 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पद, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 31, एसटी के लिए 41, इसमें टोटल 143 पद हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। और हेड कांस्टेबल को लिए मिनिस्ट्रियल के लिए आपको देखने को मिल जाएगा यूआर में 532, ईडब्ल्यूएस में 132, ओबीसी में 355 और एससी में 197, एसटी में 99 और टोटल 1315 पोस्ट, यानी कि दोनों को मिला दें 538314 और 31, तो यहाँ पर 1458 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दूँ अभी एकदम फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसी के बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पे स्केल की बात कर रहा है तो पे स्केल आपको 7th पे स्केल मिल जाएगी। इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर पे लेवल 5 है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पे लेवल 4 है। इसमें पे मैट्रिक्स की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 और यहाँ पर कांस्टेबल वाले में 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक यह बेसिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डी ए हो गया, टी ए हो गया, ठीक है, और एच आर ए हो गया, यह सब जुड़ जुड़ के मिलते हैं, तो लगभग 40 प्लस इस पर आराम से पहुंच जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 से रखा गया है और एप्लीकेशन क्लोज होने का डेट है 25/1/2000। एज लिमिट इतने से यानी कि 18 से 25 लिया जाएगा ऑन क्लोजिंग डेट रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन के आखिरी तिथि यानी 25/1/2023 तक कैंडिडेट नॉट बिफोर, यानी कि आपको 26/1/1998 से 25/1/2005 के बीच का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर छूट भी मिल जाती है एज रिलैक्सेशन एसटी एससी ओबीसी के लिए और एक सर्विस मैन के लिए आपको यहाँ पर छूट भी मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 आर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम फॉर ए बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई की बात कर रहा है तो आप www.crpfindia.com इस पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 4 तारीख पहला महीना वर्ष 2023 से, ठीक है। और बात करें यहाँ पर तो देखिए, अभी फुल नोटिफिकेशन की बात यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिला है, जैसे ही हमको मिलेगा हम आपके लिए वीडियो बनाकर तुरंत बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑनलाइन की बात देख लीजिए आप, 4/1/2023 से इसको ऑनलाइन किया जाएगा यानी कि ऑनलाइन शुरू होगा। तो जैसे ही फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन आता है हम आपको वीडियो बना करके बताते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।